जेट टाउन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए अभी हायरिंग चल रही है? मैम अभी तो यहाँ पे प्रोडक्शन और SMT और सोल्डिंग के लिए है। अच्छा, मेल फीमेल दोनों के लिए। अच्छा, चल रही है 8 से 5 चल रही है। अच्छा, और एक सुबह 6 से 2:30 चल रही है और नाइट शिफ्ट चल रही है 8 से सुबह 5। अच्छा, और एक 3 से 11:30 के लिए चल रही है। 4 शिफ्ट चल रही है अभी, कोई जो वो नहीं है फिलहाल, तो चली रही है, लिमिटेड ही चलती है क्योंकि 4 प्लांट्स है इसके। अच्छा, चारों प्लांट में हायरिंग जी। 26 ड्यूटी करने पर उसको 2,000 रुपये अलग से मिलते हैं, 1,000 रुपये अटेंडेंस वार्ड और 1,000 रुपये शारी की तरफ से। अच्छा, और खाना पीना? खाना कंपनी की तरफ से है, कैंटीन अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन बस है जो सुबह 6 से 2:30 वाली है, उसमें आपका बस की सुविधा मिलती है। स्वागत है आप सभी का एक और ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है वो कंपनी जो कि हायर कर रही है काफ़ी सारे लोगों को। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है जेट टाउन। जेट टाउन में चल रही है काफ़ी सारी वैकेंसी और आज मेरे साथ है शिव जी जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज ये आई है, इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, सैलरी एग्जैक्टली आपको क्या दी जा रही है, सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव्स वगैरह या जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या क्या आपको दी जा रही है, A to Z सारी जानकारी दूंगी मैं आपको सर के ही जरिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दोस्तों आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी प्रेस किया हो। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी आप कौन सी कंपनी के लिए सर हायरिंग कर रहे हैं? जेट टाउन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए अभी हायरिंग चल रही है? मैम अभी तो यहाँ पे प्रोडक्शन और SMT और सोल्डिंग के लिए है। अच्छा जी, प्रोडक्शन में क्या काम करना होगा? मैम असेंबली करनी। अच्छा जी, और SMT में? SMT में PCB बनती है, उसकी असेंबली होती है। अच्छा जी, और जो लास्ट आपने बताया था उस प्रोफाइल सोल्डिंग के लिए तो कंपोनेंट्स है, उस पर सोल्डिंग करनी है, पॉइंट सोल्डिंग, ट्रैक सोल्डिंग। सर ये जो हायरिंग है ये मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए या दोनों के लिए है? मेल फीमेल दोनों के लिए। अच्छा हाँ जी, क्या टाइमिंग रहने वाला है? मैम इसमें शिफ्ट चल रही है 8 से 5 चल रही है। अच्छा, और एक सुबह 6 से 2:30 चल रही है और नाइट शिफ्ट चल रही है 8 से सुबह 5 और एक 3 से 11:30 के लिए चल रही है। 4 शिफ्ट चल रही है। तो जो लड़कियां हैं उनके लिए कौन सी शिफ्ट है सर? मैम लड़कियों के लिए मॉर्निंग शिफ्ट है 6 से 2:30 और 8 से 5। अच्छा, कितनी दिन तक हायरिंग चलेगी सर ये? मैम अभी कोई जो वो नहीं है फिलहाल, तो चली रही है, लिमिटेड ही चलती है क्योंकि 4 प्लांट्स है इसके। अच्छा, चारों प्लांट में हायरिंग जी? कहाँ कहाँ है चारों प्लांट? चारों प्लांट सेक्टर 63 में ही है, एक है D216, एक है D161 और एक है B4 और एक हमारी 161C। अच्छा सर, जो लड़कियों के लिए हायरिंग है वो कितने बजे से कितने बजे तक है? मैम सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है, 12 बजे तक चलती है। और मेल के लिए? मेल फीमेल दोनों सेम। दोनों के जी। अच्छा, सैलरी वगैरह कितनी दे रहे हैं सर? मैम सैलरी जो है हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की उसकी 10,275 होती है। अच्छा, ITI वालों की 11,303 है, डिप्लोमा वालों की 12,661 है। सैलरी के साथ साथ सर कुछ और भी फैसिलिटीज वगैरह जी? 26 ड्यूटी करने पर उसको 2,000 रुपये अलग से मिलते हैं, 1,000 रुपये अटेंडेंस वार्ड और 1,000 रुपये शारी की तरफ से। अच्छा, और खाना पीना सर? खाना कंपनी की तरफ से है, कैंटीन अवेलेबल है, 10 रुपये का कैंडिडेट का चार्ज होता है, बाकी कंपनी पे करती। अच्छा, तो दोनों टाइम रहता है या तीनों टाइम? हर शिफ्ट में। हर शिफ्ट में? वर्किंग आवर्स में उसे लंच मिलेगा एक टाइम का खाना उनको मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी है? ट्रांसपोर्ट बस है जो सुबह 6 से 2:30 वाली है, उसमें आपका बस की सुविधा मिलती है, अदरवाइज जो जनरल शिफ्ट है उसमें नहीं मिलती। अच्छा सर, अभी जैसे कि काफ़ी सारे लोग हमें कांटेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे भी जी, तो कितने बजे से कितने बजे यहाँ पर इंटरव्यू देने आए? मैम 8 बजे से चालू हो जाता है इंटरव्यू और 12 बजे तक लास्ट है। 8 से 12? हाँ जी। कोई फीस, कोई चार्जेस नहीं? नो, फ्री हायरिंग, फ्री कॉस्ट, किसी भी तरह किसी को कोई पैसा देने का वो नहीं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी सर, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इंटरव्यूज़ में? जनरल है, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए और जो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कहीं काम किया है उसका नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मली ये होता है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के जी जी है जी। ओके, तो सर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है आज, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, बहुत सारे लोग आए भी थे, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ और काफ़ी सारे लोगों का नहीं भी हुआ है। हाँ जी। बट अभी यहाँ पर अनलिमिटेड हायरिंग है। हाँ जी। दिसंबर जनवरी पूरे चलेगी? हाँ जी हाँ जी, पूरे दिसंबर जनवरी चलेगी सारे प्लांट्स के। हाँ सब। तो बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे भी और डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी करेंगे। कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई मेल आईडी वगैरह देना चाहेंगे जो घर बैठे भी अप्लाई कर सकते? जी वो मिल जाएगा आपको। अच्छा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि नोएडा का नहीं होना चाहिए आसपास? मैम मैं जो कुछ एरियाज है जिनको ब्लॉक कर रखा गया है। अच्छा। जैसे अलीगढ़, एटा, इटावा, हापुड़, हाथरस। अच्छा। और ये अपना बुलंदशहर, ये लोकल का नहीं रहते। अच्छा। मिनिमम जो दूरी होनी चाहिए वो 300 किलोमीटर की होनी चाहिए। अच्छा, और जो कोई काम कर चुका है उसके लिए? जो वो काम कर चुका है तो वो आ सकता है। आ सकता। हाँ। मतलब फ्रेशर के लिए इन सब जगहों के लिए ब्लॉक है। हाँ, लेकिन हाँ। अगर कोई काम कर चुका है, एक्सपीरियंस है, वो लोग आ सकते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं अप्लाई करने के लिए एड्रेस डाल देती हूँ और जो कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें प्रोवाइड करेंगे, वैसे मैंने एक और पहले वीडियो बनाई थी जेड टाउन के लिए, हम अंदर भी विजिट करके गए थे, तो उसकी उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वो प्लस जो आप मुझे देंगे वो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारी हायरिंग्स अभी इस वक्त चल रही हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप रीड आउट भी कर सकते हैं इन डिटेल्स को www.jobnow247.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीड करके। डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर आ करके या कॉन्टैक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।